नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार साहब और इंडियन प्लेबैक सिंगर विनोद राठौर साहब का। इनकी जोड़ी ने कई ऐसे हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम लोग शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब दोनों ने ही एक साथ डुएट कितने फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब दोनों ने ही कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें डुएट गीत गाए हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब दोनों ने ही एक साथ डुएट कितने फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब ने ट्वीट टोटल 3 फिल्म हैं जिनमें अपनी आवाज़ दिए हैं। तो आइए कौन कौन सा फिल्म है इसके बारे में बात करते हैं। पहला है सन 1989 में आई फिल्म हिसाब खून का, और इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं, कसम से मैं रंग महफिल का जमा दूंगा। ये वाला जो गीत था वो शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब और सारिका कपूर जी, इन तीनों सिंगरों ने बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में अपनी आवाज़ दी। और ये गीत शब्बीर कुमार साहब ने राज बब्बर साहब के लिए अपनी आवाज़ दिए, और मिथुन चक्रवर्ती जी के लिए विनोद राठौर साहब ने अपनी आवाज़ दिए। और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार नदीम सरवन साहब ने दिया था, और लिरिक्स हसरत जयपुरी साहब ने दिया था। तो आइए पहले हम लोग ये गीत जो है वो सुन लेते हैं, फिर आगे इनकी जोड़ी के गीतों के बारे में बात करेंगे। और इस फिल्म के बाद सन 1992 में आई अनरिलीज फिल्म इश्क खुदा है। जी हाँ, और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं, अपना दुल्हा जमाने से निराला, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में शब्बीर कुमार साहब, विनोद राठौर जी, रवि जी, जॉली मुखर्जी जी, सुखविंदर सिंह जी, शोभा जोशी जी, सारिका कपूर जी, साधना सरगम जी, उत्तरा केलकर जी, इन सभी सिंगरों ने इस गीत को बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में गाए थे। और ये गीत बेहद ही ज़्यादा हिट हुआ था, और अक्सर शादी में यह गीत सुनने को मिलता है। और ये गीत बेहतरीन तो होगा ही होगा, क्योंकि इतने सारे सिंगरों ने अपनी आवाज़ दिए थे, तो गीत तो बेहतरीन होगा ही। जी हाँ, शब्बीर कुमार साहब, विनोद राठौर जी, जॉली मुखर्जी जी, सुखविंदर सिंह जी, शोभा जोशी जी, सारिका कपूर जी, साधना सरगम जी, उत्तरा केलकर जी, इतने बड़े बड़े सिंगर हैं जिन लोगों ने एक साथ गाए हैं, तो गीत बेहतरीन तो होगा ही होगा। तो आइए पहले ये गीत हम लोग सुन लेते हैं, फिर आगे इस गीत के बारे में बात करेंगे। और इस फिल्म का संगीत दिलीप सेन समीर सेन साहब ने दिया था, और लिरिक्स पीडी मेहरा और दिलीप ताहिर साहब ने दिया था, और यह गीत भी बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। खुद रब ने मुहूर्त निकाला। और इस फिल्म के बाद सन 1992 में आई फिल्म युद्ध पाठ। जी हाँ, इस फिल्म में भी शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब की जोड़ी ने एक साथ ट्वीट गीत गाए हैं, गीत के बोल हैं, छोरा बदनाम हुआ, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में शब्बीर कुमार साहब, विनोद राठौर जी, शैलेंद्र जी, जॉली मुखर्जी जी और ऐसे कई सिंगर थे जिन लोगों ने अपनी आवाज़ दिए थे। और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन समीर सेन साहब ने दिया था, और लिरिक्स रानी मलिक जी ने दी थी, और ये गीत भी बेहद ही ज़्यादा हिट हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब की जोड़ी ने एक साथ ट्वीट टोटल 3 फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए थे। अगर और कोई फिल्म है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे देखा जाए तो एल्बम है जिनमें काम किए थे, लेकिन और कोई फिल्म नहीं है। अगर फिर भी कोई फिल्म है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम लोगों ने बात की इंडियन प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार साहब और विनोद राठौर साहब के ट्वीट गीतों की। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।